कि आर्ट एक मार्केट के हिसाब से चलने वाली चीज़ है ही नहीं। आर्ट तो हमारी अपने अंदर से निकला हुआ एक सोल है। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। मेरा जो जन्म है वो हरियाणा के कोंसीवास विलेज है, उसमें हुआ था। बचपन में क्या है कि मैं जैसे कोई त्यौहार होता था तो वॉल के ऊपर पेंटिंग बनाता था, जैसे लक्ष्मी की तस्वीर बना दी या फिर गणेश जी बना दिए। तो जब मैं दीवार में काम करता था तो सब मेरे जो मम्मी हैं पापा हैं तो दिखाते थे किसी पड़ोसी को बुला के, भाई देखो मेरे बेटे ने बनाई है, तो बहुत अच्छा फील होता था। तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी आर्ट कॉलेज में भी जाना है या फिर कभी मुझे आर्ट कोर्स करना है। जितने मेरे टीचर थे वो सब बोलते थे कि सुरेश तेरी बहुत ड्राइंग अच्छी है। कभी जो है स्कूल का कोई बोर्ड सजाना होता था तो मैं सजा देता था उसको। जो है हमारे एक मामा जी हैं, जब मैंने 12th पास की तो उन्होंने कहा कि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो क्यों ना कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लो। तो वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ 3 सब्जेक्ट थे, कमर्शियल आर्ट, स्कल्पचर और पेंटिंग। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। फिर मैंने डिस्कस किया, फिर मेरे मामा जी थे उनके उनसे मैंने पूछा कि क्या लेना मुझे चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि देखो पेंटिंग अगर कर लेते हो तो फिर 2D में काम कर पाओगे। जो है कॉमर्शियल आर्ट अगर आप लेते हो तो फिर आपको कॉमर्शलाइज और सब जगह चक्कर काटने होंगे, ग्राफिक के वहाँ जो ऑफिस में जाना होगा, किसी डिज़ाइन की बात करनी होगी, कहीं से कॉपी वर्क करना होगा। अगर आप स्कल्पचर लेते हो तो आपको क्या कि पूरा स्पेस मिल जाता है, 3D मिल जाता है, 4D मिल जाता है, आप उस चीज़ को ना पूरा इन्जॉय कर पाते हो। और जब आप मिट्टी में काम करोगे तो एक मदर टच भी आपके साथ रहेगा जो है। तो फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा मीडियम है, जब अगर मेरे को 3D का ज्ञान अगर हो जाएगा तो 2D तो मैं अपना भी कर पाऊँगा। तो जब हम लगातार हम काम करते हैं तो हमें कोई ना ऐसे थीम चुननी होती है कि जिसमें हम हमारे को जो है ये लगे कि ये सुरेश का ही काम है। तो फिर मैंने वुमेन के ऊपर मैंने काम किया, उसके नेचर को लेके काम किया, उसके एक्सप्रेशन को लेके काम किया। उसके बाद मैंने उसके साथ में नेचर को जोड़ा, एक वुमेन का एक नेचर किस तरह से होता है, किस तरह से ज्वाइंट होकर फैमिली साथ काम करती है, तो सारी अपनी चीज़ों को निभाते हुए किस तरह से परिवार का पालन पोषण करती हैं, तो नेचर को साथ में मैंने जोड़ा उसके साथ में। फिर मैंने उसके साथ में उसकी पावर को जोड़ा कि अगर वुमेन को अगर पावरफुल दिखाना है तो मैंने पावर के सिंबल के रूप में हॉर्स को लिया। उसके काम करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर एक बुक दिखाई, फिर मैंने वुमेन, हॉर्स, फ्लावर एंड बुक्स, इन सब चीज़ों को ज्वाइंट किया कई साल बाद काम करने के बाद में। तो फिर मेरा सोचना ये था कि अगर वुमेन को पावरफुल बनना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उसकी तरक्की के लिए, उसके परिवार को पालने के लिए और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर वो एजुकेटेड अगर होती है तो बहुत आगे तक बढ़ पाएगी। जो है साथ में फिर मैंने मैन को भी जोड़ा कि बिना मैन के सपोर्ट के जो है वुमेन आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जो है कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे फाइनेंस सपोर्ट लगा लो या फिर वो साथ मिलने के सपोर्ट करने वाली बात होती है, तो सब चीज़ों को लेके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर वुमेन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो हमारी माँ हुई, चाहे हमारी वाइफ हुई, चाहे हमारी फ्रेंड हुई, क्योंकि बिना हम किसी की सपोर्ट के काम नहीं कर सकते। जो है वुमेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे परिवार को बांध के भी रखती है, सबको जोड़ के भी चलती है। कई बार ऐसा होता है कि खुद नहीं खाएगी लेकिन बच्चों को जरूर खिलाएगी वो। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो वुमेन को बनाए। जो है अभी पिछले 4-5 साल से जो मैं ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो नया शो किया था अभी तो उस पर मैंने ग्लोबल वार्मिंग पे किया कि किस तरह से नेचर के अंदर चेंजिंग आ रहे हैं और हम सोसाइटी के अंदर उस चीज़ को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो एज ए मैसेज देने के लिए पब्लिक आर्ट की तरह मैंने उसको यूज किया। स्ट्रगल तो हर आर्टिस्ट की लाइफ में आता है कि भाई मटेरियल नहीं मिल रहा है, पैसे की जैसे दिक्कतें कई बार होती है, कई बार स्टूडियो की फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, कई बार मिल पाती थी, कई बार सामान लाना होता था। तो फिर बीच बीच में फिर मैंने कुछ कमीशन वर्क भी इस तरह से किए ताकि जो मेरा हाथ टाइट है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। पर फिर मैंने अपना क्रिएटिव वर्क काम बंद नहीं किया, वो भी मैं लगातार करता रहा। बहुत सारी मैंने ड्राइंग्स की हॉर्स के ऊपर जो है, तो वो भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा। उन ड्राइंग के द्वारा कुछ सेल होती रही मेरी बीच बीच में, तो कुछ स्कॉलरशिप मुझे मिलती रही, कुछ अवार्ड मुझे मिलते रहे। इस दौरान कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने किए तो वहाँ से कुछ पैसा मिलता रहा। कुछ बीच में काम एक सेल हो गए तो वहाँ से जो पैसा मिला तो फिर मैंने उसका मटेरियल ख़रीदा, क्योंकि जो मटेरियल आर्टिस्ट के पास होता है तो फिर उससे काम करने की दिक्कत नहीं होती है। शुरू में मैंने जब कॉलेज में था, मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तो उससे पहले मेरा कोई काम बिका नहीं था। मतलब ड्राइंग बिकती थी मेरी, हॉर्स वाली ड्राइंग जो है वो लगातार बिकती रहती थी, पर वो कोई फ़ायदा नहीं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं गई कभी भी ड्राइंग।
तो मैंने एक स्टोन काटा ब्लैक मार्बल के अंदर 1 फीट बाई 1 फीट का जो है। तो जब मैं उसे पॉलिश वगैरह कर ही रहा था तो उस समय जो है वो काम सेल हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक काम सेल हो गया। जैसे उसी दौरान फिर मेरा ललित कला अकादमी के कलेक्शन में भी एक काम गया, तो उस समय 16,000 रुपये मेरे को मिले और मैंने उनसे काफ़ी सारा मटेरियल टूल्स वगैरह मैं लेके आया आगे जो काम करने के लिए। फिर मैंने स्टोन लेके आया, फिर मैंने मशीन खरीदी एक, कला उत्सव का मुझे फिर अवार्ड मिला तो उससे भी कुछ पैसा मुझे मिला। फिर एक IFS का अवार्ड मिला मिनी स्कल्पचर का। उस दौरान जब अवार्ड मिलते हैं तो फिर पैसा कुछ मिलता है तो फिर वो बड़ी खुशी होती है, अच्छा सा महसूस होता है एक आर्टिस्ट के लिए। फिर उसे लगता है कि नहीं मुझे और ज़ोर शोर से काम करना चाहिए। 1992 में जब मैंने मास्टर डिग्री पास की तो फिर मैंने सोचा कि अगर जॉब अगर होगी तो पैसा आ जाएगा तो कुछ और काम हो पाएंगे जो है। और क्या क्या ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो वो बिक जाए। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया था उस दौरान, तो 1994 के अंदर मैंने जो है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में ज्वाइन किया। क्या होता है कि जब हमारे पास एक सैलरी आ रही होती है प्रॉपर तरीके से तो हम और अच्छा काम कर पाते हैं। जो हमारे फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल होता है। लॉकडाउन का जो है एक आर्ट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। बहुत सारे कलाकार हैं जो जॉब में नहीं थे, उनकी आर्ट बिकती थी उस दौरान और उनसे उनका घर का खर्चा चलता था। कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिनकी जो क्लासें लेते थे, आर्ट क्लासें लेते थे जो है, तो उनकी जॉब भी काफ़ी चली गई उस दौरान जो है। तो ये आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक दौर रहा, ख़तरनाक दौर रहा, जिसके अंदर ना सेल थी ना खाना था। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो फ्रेंड हैं उन्होंने बहुत बेकार टाइम देखा है लॉकडाउन के दौरान जो है। अगर कोई हमारे काम के बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो शुरू में तो हमें लगता है यार क्या हम कल गलत कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि सुरेश क्या बनाता है, तो बस वही हॉर्स में और वुमेन में ही लगा रहता है जिंदगी, मतलब इतने साल तूने उसमें गुजार दिए। मैंने फिर एक महीने काम नहीं किया, मैंने सोचा उस चीज़ को बड़े गहराई से जो है, क्या मैं सही हूँ, क्या जो बोल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो सही हैं। फिर मुझे लगा कि वो अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च पूरा नहीं हुआ उस चीज़ को लेकर। क्या होता है जब आर्टिस्ट काम करता है, उस फील्ड में काम करता है, उस टॉपिक पर काम करता है, तो जब तक आर्टिस्ट संतुष्ट नहीं हो पाता तो वो आर्टिस्ट काम बंद नहीं कर सकता अपना काम जो है। जो टोटल जो स्कल्पचर है उसके अंदर इसके एक नेगेटिव स्पेस को दिखाने के लिए कि उसके एक वॉल्यूम को दिखाने के लिए तो मैं कहीं ना कहीं इसको अवॉइड कर देता हूँ। स्कल्पचर एक ऐसा मीडियम है जो हम घर पर कर नहीं सकते हैं। घर पर क्या है कि अगर मान लो अपने करावे जो है तो थोड़ा बहुत मिट्टी का काम हो जाएगा, 6 इंच का हो जाएगा, 1 फुट का हो जाएगा। जब आपने स्टोन वर्क करना होगा तो इस घर में हो ही नहीं पाएगा वो। तो उसके सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि स्टूडियो की फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हमें कास्टिंग के लिए भट्टी चाहिए, वो फैसिलिटी वो होनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो स्कल्पचर के लिए तो घर में काम करना बहुत ही मुश्किल है, और एक स्कल्पचर को, एक यंग स्कल्पचर को सपोर्ट भी बहुत चाहिए होती है, किसी सीनियर आर्टिस्ट सपोर्ट भी चाहिए होती है, किस तरह काम करना है, किस तरह से हमें पैतीना करना चाहिए, किस तरह से हम जो है नई नई जो स्कूसी वगैरह निकलती है उसका पता होना चाहिए जो है। और क्या होता है जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं वो डिस्कस नहीं करते हैं सीनियर से जो है, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है कि एक आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एंड नहीं है। बाकी सब पढ़ाइयों का तो एंड हो जाता है कि एक पढ़ाई है वहाँ तक ख़त्म हो गई है। आर्ट को हम हर स्टेज पर सीखते हैं, एक काम सेल होना और एक काम अपनी सिग्नेचर वर्क बनाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आर्ट फील्ड के अंदर अगर मतलब सक्सेसफुल होना है तो कोई भी काम करो आपका एक सिग्नेचर वर्क होना चाहिए। जो आर्ट गैलरी की हमारी वाल है वो कभी ये नहीं बोलती है कि ये मैं सीनियर के काम के साथ नहीं लगूंगी यंग का काम, या यंग के साथ मैं सीनियर काम नहीं लगने दूंगी जो है। मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे जो आर्ट लवर हैं या मुझे जो जानने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कि मैं जो आर्ट कर रहा हूँ एज ए पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ अभी जो है, और मैं यही चाहता हूँ कि जो है आप सब जो है एज ए पब्लिक का इस तरह जो मैसेज हैं कि मैं एजुकेशन जो है गर्ल्स को ज़रूर दें, और जिस तरह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं इसको थोड़ा सा कम करें, तो तभी मेरा ये मैसेज जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।